हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज और मैं हूं आज़ाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्टोनिया का जो डिजिटल नॉमेड वीज़ा निकला हुआ है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने वीडियोस बनाया था, उसके ऊपर मैं अपडेट लेकर आया हूं कि उसको अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है और उसका क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं हम बात करते हैं कि एस्टोनिया ने जो अपना डिजिटल नॉमेड वीज़ा जो स्टार्ट किया है, क्या उसका प्रोसेस है, उसका अगर अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, कौन से ऐसे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करने के लिए आज का ये वीडियो बना रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी एस्टोनिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं और यहां से पूरे डिटेल्स लिखा हुआ है कि कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या करना है, और इसका रिक्वायरमेंट भी लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि उसका रिक्वायरमेंट क्या था, आप कैसे अप्लाई कर सकते थे। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे यहां पर मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूं कि वो क्या है। एक्चुअली ये एक वीज़ा ऐसा है कि आप एस्टोनिया में रहकर आप किसी फॉरेन रिक्रूटमेंट के लिए, चाहे फॉरेन अपने बॉस के लिए काम कर सकते हैं, और वहाँ पर आप इस वीज़ा के तहत आप वहाँ पर रिहायशी रह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए क्या ऐसा प्रोसेस है। तो मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट खोला हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको वो सब क्राइटेरिया मैच करना पड़ेगा कि कैसे आप एलिजिबल हैं। तो जो मैंने पहले आपको वीडियोस में बताया था एलिजिबल होने के लिए, वही क्राइटेरिया अभी भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और जो अब प्रोसेस का जो बारे में है कि अप्लाई कैसे किया जाएगा, उसके बारे में अपडेट आया है, इस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि अगर आप शॉर्ट स्टे के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 80 यूरो देना पड़ेगा एज अ फीस, स्टेट फीस, और उसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, और आप ऑनलाइन फिलअप भी कर सकते हैं, और अगर आप PDF इसको डाउनलोड करके और चाहते हैं तो PDF में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करके। तो ये वो आपका शॉर्ट स्टे का। वहीं अगर हम बात करें लॉन्ग स्टे का कि मोर देन 3 मंथ का, तो आपको 100 यूरो देना पड़ेगा, जिसका टाइप डी नाम दिया गया है वीज़ा को। और ये दो टाइप का वीज़ा भी अवेलेबल है, और इसको अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस आपको सेम वेबसाइट में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप जब ये वीज़ा को अप्लाई कर लें, करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप इसको वेट करेंगे सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन का एस्टोनिया एम्बेसी में, कि वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट का कब से आपको डेट दिया जाता है। और जब आपको डेट दिया जाता है तो फिर आप अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर जाइएगा और वहाँ पर शो कीजिएगा। नॉर्मली ऐसे यहाँ पर बता रहा है कि 15 दिन लगते हैं आपको इसका रिप्लाई आने में, लेकिन अभी COVID-19 की वजह से ये डिले और ज़्यादा हो सकता है, तो उसको भी आप दिमाग में रखते हुए अप्लाई कीजिएगा। तो वही हम बात करते हैं कि ये फॉर्म कैसा है दिखने में और इसका क्या क्राइटेरिया है। तो मैंने अभी जस्ट उसका ऑफिशियल वेबसाइट का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने खोल दिया है। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन उसके लिखे हुए हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, या आप इसको A to Z डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ऑनलाइन यहाँ लिखा हुआ है, तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म है, यहाँ पर आप अपना डिटेल्स डालिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा, तो फिर आपके सामने एक और पेज खुलेगा। ऐसे करके आपके सामने 13 पेजेस खुलेंगे, और 13 पेजेस के बाद आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो मैं सिर्फ अभी आपको ये बता दे रहा हूँ कि कैसे प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्म फिलअप हो, चाहे फॉर्म फिलअप किया जाए, चाहे इसका क्या प्रोसेस है, तो इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ कि कैसे ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो ये हुआ आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस। अगर वहीं हम बात करते हैं कि अगर आप PDF में इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट के नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लॉन्ग स्टे वीज़ा PDF, लॉन्ग स्टे वीज़ा के लिए PDF फाइल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये PDF फाइल खुल जाएगा, जिसको आप फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। तो इसका भी प्रोसेस आपको बता दिया गया है। तो ये दोनों फॉर्म है, ऑनलाइन बोलिए या आप उसको PDF बोलिए, ये दोनों आपके पास अवेलेबल है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और
मैं आपको एक छोटा सा और अपडेट देते चला जाऊं कि अभी ये ऑनलाइन प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है और फॉर्म एक्सेप्ट की एस्टोनिया ने करना शुरू किया है, लेकिन अभी ये कुछ कंट्रीज़ का ही अभी ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब पूरे कंट्रीज से अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कोविड के वजह से पूरे यूरोप में जो लॉकडाउन लगा हुआ था वो रिसेंटली धीरे धीरे करके वो उठ रहा है। तो अभी फ़िलहाल कई कंट्रीज़ जो हैं कि उसमें वो उसके लिए अभी ये लोग ओपन मतलब एप्लीकेशन ओपन नहीं किया है। तो मे बी अगर आप इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश से अप्लाई करते हैं इसके लिए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ जा सकता है, लेकिन अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं इसके लिए। और इसके बाद अगर आपको और इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना है कि कौन कौन से कंट्रीज़ में भी अप्लाई करने के लिए देखो ऑप्शन दे रहा है नहीं दे रहा है, तो आप इस लिंक में मैं इस दे दूंगा, आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं कि क्या इसका क्राइटेरिया है, कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। ये सब जितने मैं लिंक खोला हूँ मैं सबका लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं ये सिर्फ यही बात किया कि इसको कैसे अप्लाई करना है, इसका क्या रिक्वायरमेंट था, इसका एलिजिबिलिटी क्या था, मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर और कोई फर्दर अपडेट आता है तो मैं आपको लेकर वो अपडेट का वीडियो आपके सामने फिर से आऊँगा, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।